भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सह भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप पर कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ प्रदेश महिला कांग्रेस ने राज्य भर में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन किया। वैसे इसके खिलाफ न केवल महिला कांग्रेस बल्कि कई अन्य सामाजिक संगठनों ने भी सड़क पर उतर कर इसका विरोध जताया। जो भाजपा के जो सांसद हैं, उनका हम लोग आज पुतला दहन किए हैं, क्योंकि आज कहते हैं प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हमारे जो महिला खिलाड़ियों के साथ में जो भी उत्पीड़न यौन शोषण की जो बात हुई है, इसमें ना एफआईआर दर्ज की तो दूर की बात है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से छोटी छोटी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। पर अगर महिलाओं को इस तरीके से उत्पीड़न देश में होगी और यौन शोषण होगी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इतनी घृणित कार्य कार्य किया जाता है, उसमें से मोदी सरकार चुप्पी साधी हुआ, जैसे कि जो भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं ने भी इसको चुप्पी साधी है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो हमारे देश में जो इतने घिनौना कार्य को उन्होंने इसमें सब उनको सपोर्ट कर रहे, ताकि हमारे देश में जो महिला लोग आपको सुरक्षित कहीं नहीं है। जमशेदपुर में एक तरफ महिला कांग्रेस ने साक्षी गोल चक्कर में इसके विरोध स्वरूप सांसद का पुतला दहन किया, वहीं महिला संगठनों ने गोल चक्कर पर ही विरोध प्रदर्शन भी किया। इन्होंने कहा कि देश की महिला पहलवान देश का नाम रोशन कर चुकी हैं और वैसे महिलाओं के साथ भाजपा के सांसद ने यौन शोषण किया है, लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा चुप्पी साधी हुई है, जो नारियों के सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। इन्होंने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। आप सब जानते हैं देश की आधी आबादी महिला है, लेकिन इस आधी आबादी महिला सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं जो भारत के लिए स्वर्ण लाते हैं, किस तरह हमारे देश उन महिलाओं का ऊपर किस तरह से जोड़ों उत्पीड़न का आरोप उन्होंने लगाया। हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, आप सोच सकते हैं कि ऐसा महिला है जब हम लोग देश के लिए सोना जीत कर लाती है, तो हमारे प्रधानमंत्री उसके साथ चाय पीते हैं, उनको सम्मान करते हैं। आज वही महिला का ऊपर जब ऐसे जोनों उत्पीड़न का एक शिकार हमारा ब्रजभूषण जी उत्पीड़ित किए हैं, तब उनके बगल में कोई नहीं है। चार महीना से आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने किया कि दिल्ली पुलिस को क्या बनता है केस दर्ज देकर, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पर जब दिल्ली पुलिस ने अपना केस दर्ज किया, तब चारों शोर कोर्ट मच गया, अभी सब उनका समर्थन यहाँ आ गया। आप सोच सकते कि महिलाओं का सुरक्षित रहने का अधिकार क्या हमारा भारत में नहीं है? हम लोग अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? इतने बड़े बड़े पदों पर महिलाएं हैं, देश की इतना विकास के लिए महिलाओं का इतना योगदान है, वही महिला आज असुरक्षित है। तो हम लोग अब सड़क पर उतर के आए इसलिए कि उन महिला पहलवानों को जरूर न्याय मिले, और इसके लिए हमारे जो दोषी है ब्रजभूषण शरण सिंह उनको सजा दिया जाए, यही अपील है हम सबका। हम सब संयुक्त मोर्चा के तरफ से एक साथ एकजुट हुए हैं, न्याय दिला के रहेंगे हम लोग पूरा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूले।